शुभ दिन है हम सब का, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो दोस्तों सुन लिया आपने ये सॉन्ग। दोस्तों ये सॉन्ग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, बल्कि आपको इस सॉन्ग के माध्यम से आपको समझनी चाहिए। ये सॉन्ग जो है आपको बहुत चीजें सिखा सकती है। आप इस सॉन्ग को सिर्फ सुनिए मत इस चीज के लिए कि एंटरटेनमेंट हो रहा है हमारा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मेरे वतन के लोगों जरा याद कर लो उनकी कुर्बानी को। सो गाइज आज है 14 फरवरी, हैप्पी वैलेंटाइन बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, आज वैलेंटाइन डे है। पता नहीं अब क्यों नए नए ऐसे ऐसे चीज जो है वो निकल कर आ रहे हैं। सो गारंटी के साथ देता हूँ कि आपने अगर स्टेटस पे आप चेक कीजिएगा तो ज्यादा आपको दिखाएंगे हैप्पी वैलेंटाइन डे, लेकिन उसके पीछे भी कोई दिन होता है जो आपको बताया नहीं गया है। और पिछले साल ही हमारे साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनकर सभी की आंख में आंसू आ जाती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पुलवामा अटैक के बारे में। तो दोस्तों आप लोग आज मॉडर्न जमाना बन रहा है, पता है वैलेंटाइन डे मनाते क्यों है? क्योंकि उस दिन एक इंसान का बर्थडे था। दोस्तों 14 फरवरी हमारे इतिहास का वो दिन है जहाँ हर बार कुछ ना कुछ घटना घटती है। आज मॉडर्न जमाना हो रहा है, आज हिस्ट्री बहुत कम लोग जानते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको हिस्ट्री पर विश्वास नहीं है पिछले साल का देखिए। दोस्तों वैलेंटाइन डे क्यों मनाते हैं बहुत कम लोग को पता है, लेकिन सब लोग इसलिए जानते हैं प्यार प्यार प्यार, लेकिन उसके पीछे भी कुछ आलम है जिन्हें हमें याद रखनी होती है, कुछ चीजें हैं जो हमें रखनी चाहिए याद। दोस्तों 14 फरवरी उस दिन था जिसने कई माताएं थी जिन्होंने अपने बेटों को खो दिए, ऐसे कई बच्चे थे जिसने अपने पिता को खो दिया, ऐसे कई पत्नी थी जिसने अपने पति को खो दिया, ऐसे कई बहन थी जिन्होंने अपने भाई को खो दिया, बहुत सारे ऐसे थे। दोस्तों 14 फरवरी वह दिन जिस दिन पुलवामा अटैक हुआ होगा, शायद आपको याद नहीं होगा वो यही तारीख थी दोस्तों जिस दिन हमारे कई वीर एक वीर गति को प्राप्त हो गए थे किसी साजिश में फंसकर। और भी एक इसके पीछे रीजन है, भगत सिंह वाला। दोस्तों लोग कहते हैं कि इससे 14 फरवरी से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, बात कनेक्शन है उसमें। दोस्तों बहुत सारी जगह दिखाया गया है कि इस दिन उनको फांसी पड़ा था, बिल्कुल गलत है। फांसी 23 मार्च 1931 को पड़ा था, डेट 24 को था लेकिन पड़ा 31 को था। और दोस्तों एक चीज और ऐसा कहा जाता है कि जो 14 फरवरी को फांसी की डेट उनको सुनाई गई थी यह भी गलत है दोस्तों, लेकिन कनेक्शन है उनके पीछे। उस देशभक्त जो था हमारा वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, उनके पीछे का कनेक्शन है इस दिन से, यानी कि वैलेंटाइन डे से उसका कनेक्शन है उनका, लेकिन वो आप लोग को बता नहीं गया है। और ये दोनों कनेक्शन नहीं है, वो कनेक्शन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि क्या उसके पीछे वजह रही थी। दोस्तों ये शहीद दिवस भी कहा जा सकता है। दोस्तों हमारे कई भाइयों ने हमारे इसी 14 फरवरी को अपनी जान गंवाई थी अपने देश के लिए। दोस्तों उन वीरों को याद कीजिए, ये वैलेंटाइन डे तो रोज होगी, लेकिन ऐसे वीरों को याद कीजिए दोस्तों जिसने आपको बचाया है, आपके देश के लिए वो खड़ा रहते हैं। दोस्तों मैंने इंडियन आर्मी पे 2 वीडियो बना चुके हैं, सो तीसरा मैं वही चीज को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। दोस्तों एक सैनिक ही होता है जो अपने मौत को आंख से आंख मिलाकर देखता है। दोस्तों उसको हर
कब क्या होगा उस सैनिक को नहीं पता रहता है। आप चैन से आराम से घर में रहते हो, किसकी बदौलत? एक आर्मी की बदौलत दोस्तों, एक वही जो जवान खड़ा है आपके सरहद पे उसकी बदौलत। दोस्तों क्या आप विंग कमांडर अभिनंदन को भूल गए? क्या भूल गए उसको? नहीं भूले, आपको याद रखनी चाहिए। क्या आपने विक्रम बत्रा को भुला दिया? क्या योगेंद्र सिंह यादव को भुला दिया? क्या यान कार्डोजो को? क्या भगत सिंह? क्या सुखदेव और राजगुरु को भुला दिया? दोस्तों आज सिर्फ ये वैलेंटाइन डे ही नहीं है, आप वैलेंटाइन डे मनाइए, लेकिन इन सबको भूलो मत यार। ये आपको लेवल को बढ़ा सकते हैं। ये आपके देश के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था सिर्फ आजादी के लिए। तो दोस्तों उन जवानों को भी याद कर दीजिए, और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि ये मेरे वतन के लोगों, जरा याद कर लो उन कुर्बानी को, जो शहीद हुए थे इस वतन के लिए, जरा उनको भी याद कीजिए। तो दोस्तों सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजवी का दिल में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यही रखता हूँ, और जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप वैलेंटाइन डे मनाइए लेकिन अपने वीरों को मत भूलिए। आज मैं सिर्फ यही आपको रिमेम्बर करा, याद दिलाने के लिए आया था, रिवाइंड कराने के लिए आया था कि इस दिन क्या हुआ था। और दोस्तों भगत सिंह का भी बहुत बड़ा कनेक्शन है इस दिन से। और दोस्तों जाते जाते सिर्फ मैं उन जवान के लिए और उन जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छे काम कर रहे हैं उनके लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि परिस्थितियाँ कैसे भी हो, समय कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, इंडियन आर्मी इज ऑलवेज रेडी टू गिव देयर बेस्ट फॉर द नेशन, सैल्यूटिंग द सैक्रिफाइजर एंड ब्रेवरी ऑफ अ रियल हीरो। सो दोस्तों नमन है उन वीरों को जो हमारे देश के लिए कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, और दोस्तों जो चले गए वो भी, और जो आज है खड़ा हमारे लिए वो भी, और वो कभी भी मरेंगे नहीं हमारे लिए, वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए अमर रहेंगे, शहीद रहेंगे।